हैं फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रितिका और आज मैं आपके लेके आई हूँ आपका फेवरेट एपिसोड जो है मंडे टू फ्राइडे ऑफिस टिफिन रेसिपीज़। आज के एपिसोड में हमारी रेसिपीज़ बहुत ही अलग अलग तरह की हैं, फ्लेवरफुल हैं, चटपटी हैं। ज़्यादातर रेसिपीज़ प्रेशर कुकर बेस्ड हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ प्रे लेडी का प्रेशर कुकर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बढ़िया है। साथ ही जैसे कि वीडियो बहुत लंबा होता है तो आपको इसके शॉर्ट वीडियोज़ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे, तो फूड फॉर फूडीज 6 ऑन इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। तो शुरुआत करते हैं हमारी मंडे की रेसिपी से जो है मटर पनीर, और काफ़ी हट के बनाया है। तो आइए देखते हैं मटर पनीर की बहुत ही इजी रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी जो हमारी रेगुलर मटर पनीर से थोड़ी सी अलग है। इसके लिए हम मसाले को पहले थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, साथ ही कुछ लहसुन की कलियां जिन्हें रफली चॉप किया है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। जितने लहसुन और अदरक भुन रहे हैं हम प्याज को मोटा मोटा काट लेते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे हमारा टाइम सुबह सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसमें प्याज भी डाल देंगे और इसे हल्के से भूनेंगे। अभी आगे मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ इस रेसिपी को बनाने का। तो फिलहाल हमने क्या किया है, इसमें प्याज डाल दिया है, अदरक लहसुन डाल दिया है और अब हम चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें डाल देंगे। साथ ही जाएगी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे मैं प्रे लेडी का प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसका जो बॉटम है वो 3-ply बॉटम है, तो इसको एज ए कुकिंग पॉट भी यूज़ किया जा सकता है। मसालों में अभी कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और साथ ही जाएगा इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास में साबुत कश्मीरी मिर्च हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आजकल सीज़न में टमाटर बहुत अच्छे आए हैं, इससे इस ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये सब भुन रहा है, नीचे बिल्कुल नहीं लगा है। अब इस मसाले को प्रेशर कुकर में बनाने का फ़ायदा यही है कि हम इसे जल्दी से पका सकते हैं। यहाँ पे हम हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत लगे तो, और कुकर को बंद करके चढ़ा देंगे। बैक टू बैक 2 सीटियाँ आने देंगे और उसके बाद में इसे अपने आप खुलने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और प्रे लेडी प्रेशर कुकर के लॉकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं, इनमें बिल्कुल गैस लीक नहीं होती है और आप इसे आराम से खोल या बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर बहुत अच्छे से मशी हो गए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम पानी ऐड किया था, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और अब हम इस मसाले को एक थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये मसाला जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए तो अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और अब हम इसे पीस लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल टिप है आपके लिए, आप इस मसाले को एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं और चाहें तो कच्चा भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में फिर से 1 चम्मच डाला है सरसों का तेल, उसमें 1 दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। इससे बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है, अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिएगा। दालचीनी का अपना फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है जो हमारे खाने में एक बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप पूरी रेसिपी में से बस लहसुन प्याज को माइनस कर दीजिएगा, उस समय ये बेसन ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। तो बेसन हमारा ऑलरेडी भुना हुआ था तो फटाफट हो जाएगा तेल में और इसमें हम डाल देंगे ये मसाला। मसाला हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे जिसमें है धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़रा सी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। और आप ये देखिए ग्रेवी का कलर जो है हमारा बिल्कुल बढ़िया सा ऑरेंज आ रहा है, क्योंकि ग्रेवी भुनी हुई है इसीलिए हमने इसमें मटर भी ऐड कर दी है। अब हम मटर और मसाले सबको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ऑरेंज कलर आया है। आप इस ग्रेवी में सीधे पनीर क्यूब्स भी डाल सकते हैं, आपकी सब्ज़ी झटपट तैयार हो जाएगी। अब हमने मटर ऐड की है तो उसके कलर को एज इट इज़ रखने के लिए हमने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो ग्राइंडर जार था मैंने उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है ताकि सारा मसाला जो उसमें लगा हुआ था वो भी इसमें आ जाए। और अब हम मटर को 1-2 सीटी के लिए पका देंगे। मटर को पहले पकाना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पनीर के साथ में पकाते हैं तो पनीर चुई हो जाता है ओवरकुक होके। अब यहाँ पे जो पनीर है वो हमने घर में बनाया है, और अगर आपने पहले वाला वीडियो अभी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं ऊपर भी लिंक कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बना हुआ है हमारा। अब यहाँ पे मैं पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा इससे टेस्ट आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कच्चा पनीर भी ऐड कर सकते हैं मटर के पकने के बाद में।
और दूसरी तरफ हमारी मटर भी पक्के तैयार हो गई है, इसमें दो सीटी लग गई है। आजकल मटर वैसे भी बहुत अच्छी आ रही है कि वो एक सीटी में ही गल जाती है। ये देखिए गाइस, प्रेशर को मैंने अपने आप ही रिलीज़ होने दिया है और हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है, साथ में मटर अच्छे से पक गई है। बहुत ही थिक है ये, आप चाहें इसमें पानी मिला के इसे डाइल्यूट कर सकते हैं, बट आज मैं इसे ज़रा सा तंदूरी रोटी के साथ में सर्व करूँगी, इसीलिए मैंने इसको थिक ही रहने दिया है। इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे और इन्हें भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया कलर है, और बहुत ही आसानी से हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, टिफ़िन में जाने के लिए एकदम रेडी है। बस अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि पनीर अच्छे से सब्ज़ी का जो फ्लेवर है एब्जॉर्ब कर ले। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे ऐसे ही ढक के रख देंगे, कोई सीटी वगैरह हमें इसमें कुछ नहीं लगाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, प्रॉपर से फ्लेवर आ गया है पनीर का, मसाले का, और बस इसको सर्व करते हैं। अगर आप इसे चावल के साथ में खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा, और बनाइएगा तो मेरे साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको ये मटर पनीर की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो है लंगर वाली दाल। बहुत ही बढ़िया बनती है, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी की साइड में इधर काफ़ी फेमस है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ में बनती है, बट हाँ बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं उड़द चने की दाल की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं उड़द चने की दाल या फिर लंगर वाली दाल। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी धुली उड़द की दाल और 1/2 कटोरी चने की दाल। यहाँ पे आप छिलके वाली उड़द या फिर हरी उड़द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दालों को मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से, और अब हम दाल को भीगने के लिए रख देंगे। दाल को मैं जनरली प्रेशर कुकर में ही भिगो देती हूँ ताकि थोड़ी देर बाद हम इसे डायरेक्टली उठा के चढ़ा सकें, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ये भी सुबह का टाइम बचाने की एक टिप है। तो यहाँ पे दाल के ऊपर हम तकरीबन 1/2 लीटर पानी डालेंगे, दाल से 1-1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, और इसको हम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है और अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी और नमक। यहाँ पे नमक आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ। इसी के साथ हम इसमें खड़े मसाले भी डालेंगे, जिसमें है 1 तेज़पत्ता, कुछ काली मिर्च और 2 लौंग। अब इन सभी चीज़ों को हम उबलने के लिए रख देंगे। इस दाल को हमें कम से कम 3-4 सीटी उबालना है, उसके बाद में लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चढ़ा देना है। उड़द की दाल की टेंडेंसी होती है कि उसका पानी बाहर निकलता है, इस वजह से पानी इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा। जितने दाल हमारी उबल रही है, हम दूसरी तरफ तड़का तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है और उसको हमने अच्छे से कूट लिया है। कूटे हुए लहसुन अदरक हरी मिर्च का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच घी। ये मैंने 3 छोटे चम्मच घी डाला है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और घी डाल सकते हैं। दाल में तो जितना घी हो उतना ही टेस्ट बढ़ जाता है। 1/4 चम्मच हींग, साथ ही 1 चम्मच जीरा, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। जैसे ही जीरा चिटक जाए इसे ऐड कर दीजिए, अदरवाइज जीरा जलने लगेगा। कढ़ाई की फ्लेम को हमें यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। कढ़ाई भी मैं प्रे लेडी की ही यूज़ कर रही हूँ, स्मार्ट सीरीज की कढ़ाई है और ये वन ऑफ माय फेवरेट कढ़ाई है, क्योंकि इसमें जो कुकिंग है वो बहुत जल्दी होती है। अदरक लहसुन भुन गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर्स आते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। प्याज के भुनने के बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे, जिसमें है हल्दी, ज़रा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब हमने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची ऐड करी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालिए। तीखी तीखी दाल ये बहुत अच्छी लगती है, खास करके जाड़ों में इसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा 10 सेकेंड में भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और ज़रा सा नमक, ताकि ये जल्दी से गल जाए। जब भी सूखे मसाले डालिए प्याज के अंदर, तो टमाटर या फिर पानी हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं और अगर इसमें हम टमाटर वगैरह टाइम पे नहीं डालेंगे तो मसाले एकदम से जल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें टमाटर को पकाना है थोड़ा सा मशी हो जाने तक, और इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें हल्का सा पानी डालिए और एक बहुत छोटे से ढक्कन से इसे ढक दीजिए। इससे क्या होगा, कम हीट में ही जल्दी से हमारा टमाटर जो है वो पक जाएगा।
दूसरी तरफ हमारी दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। उड़द चने की दाल जो है वो काफ़ी फैलती है, मतलब इतनी दाल में आप कम से कम 5-6 लोगों को अच्छे से खिला सकते हैं। तो अब हम दाल को तड़के में मिला देते हैं। यहाँ पे आज रेसिपी में मैंने दाल को थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला के और पतला भी कर सकते हैं। चावल के साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है, तो इसका कॉम्बिनेशन तंदूरी रोटी के साथ सबसे बढ़िया है। ज़रा सा हरा धनिया हमने ऊपर से डाल दिया है एक अच्छे से फ्रेश फ्लेवर के लिए। और अब इस दाल को हम इसी तरह चलाते हुए बीच बीच में कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए। दाल अच्छे से घुटी हुई अच्छी लगती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें उड़द की दाल और चने की दाल अलग अलग पता लग रही है, गल बहुत अच्छे से गई है। ये दाल बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें तड़का ऐड करेंगे। तड़का बहुत ही सिंपल है, इसमें घी लिया है मैंने 2 चम्मच और उसमें डाली है ज़रा सा हींग और ज़ीरा। पहले हम ज़ीरा चटका लेंगे, उसके बाद में इसमें हींग ऐड करेंगे बहुत ही ज़रा सी, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और फटाफट इसमें हरा धनिया डाल देंगे ताकि हमारी मिर्च जल ना जाए। और तड़का हमारा तैयार है, इसको हम दाल के ऊपर डालेंगे। ये देखिए और भी फ्लेवरफुल हो गई है हमारी दाल, और इसे ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये तड़के को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अब बस टिफ़िन में जाने के लिए तैयार है। कभी गेस्ट आ जाए तो थोड़ा सा बटर और मेल्ट करके डाल दीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। गाइस ये थी हमारी उड़द चने की दाल की रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही कभी कोई गेस्ट आ जाए तो खूब सारा बटर डाल के इसको बनाइए, वाह एकदम मज़ा आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने वेंसडे के टिफ़िन पे, जो है आज बहुत ही चटपटा दिल्ली वाली छोले की चाट या चने की चाट या मटरा की चाट जो भी कहिए इसे, बहुत ही बढ़िया बनती है। और सर्दियों में आप कभी भी जाएं और बाहर आप ये मटरा की चाट ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं दिल्ली वाली मटरा की चाट। इस बार वेंसडे का टिफ़िन हमारा होने वाला है बहुत ही चटपटा, हम बनाने वाले हैं दिल्ली वाली मटर चाट। और इसके लिए हमें चाहिए मटर, इसको स्थानीय भाषा में मटरा भी कहा जाता है, सफ़ेद मटर होती है, 250 ग्राम सफ़ेद मटर है। इसको अच्छे से धो के रात भर भिगो दिया था, भिगोते समय इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया था, ऑप्शनल है, अगर बिल्कुल फ्रेश मटरा लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उस पानी को हटा दें जिसमें बेकिंग सोडा पड़ा था। अब इसको हम फ्रेश पानी डाल के उबालने रखेंगे। उबालते समय इसमें हमें कुछ चीज़ें और मिलानी है, वो हम आगे मिलाते हैं, पर ध्यान रखिएगा मटरा में पानी तकरीबन 1.5 इंच ऊपर होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, साथ ही 2 बड़ी इलायची, इसको हम हल्का सा क्रश करके डाल देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से मटरा में आ जाए, और 2 तेज़पत्ता। बड़ी इलायची सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं डाली जाती, ये इसलिए भी डाली जाती है कि मटरा को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम कुकर की लिड को बंद करेंगे और इसमें आने देंगे 7-8 सीटियाँ। मटरा उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको अच्छे से उबालना है हमें। 7-8 सीटी के बाद में इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट सिम आँच पे रहने देंगे। और यहाँ पे मैं प्रेलेडी का ही प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, इसका बॉटम काफ़ी हैवी है, तो मटरा हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे मटर पक गए हैं। अगर आप थोड़ा और गला हुआ खाना चाहते हैं तो इसमें 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, बट ये देखिए टच करने से दब जा रहा है, इसका मतलब मटरा अच्छे से पक गया है। अब हम मटरे को छौंकेंगे और इसके लिए डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच घी, साथ ही इसमें डालेंगे 4 मसाले जिसमें 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और एक बढ़िया से कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये मटर बनाने का थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है। तो इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे, मटर हमें बिल्कुल रेडी रखना है यहाँ पे। ये देखिए अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। जाड़ों में गरम गरम मटर बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस टिफ़िन को तभी बनाइएगा जब आपके पास में गरम करने की सुविधा हो। तो ये स्पाइसी होता है तो ठंडा होके भी अच्छा लगता है, बट गरम के तो क्या कहने। तो अब हम मटर और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। यहाँ पे इमली को हमने थोड़ी देर गर्म पानी में रख दिया था और उसके बाद में पानी हमने मटर के अंदर छान दिया है, आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे ज़रा सा चाट मसाला और ज़रा सा काला नमक। हमारा मटरा का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है, टेस्ट कर लीजिए कहीं नमक कम ना हो। अब उसमें जाएंगे थोड़े से उबले हुए आलू, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ में प्याज। अब यहाँ पे प्याज ऑप्शनल है, आप नहीं खाते तो अवॉइड कर दीजिए।
और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा खीरा भी डाला है, ज़रा सा हरा धनिया डाला है। गाइस ये चाट बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है, और इसके साथ में कुलचे भी अच्छे लगते हैं, परांठे भी अच्छे लगते हैं, ब्रेड भी अच्छी लगती है, तो आप इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसे इवनिंग स्नैक में सर्व कीजिएगा तो इसमें कम से कम 2-3 चम्मच बटर और डाल दीजिएगा, इसका टेक्स्चर 100 times इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसे चाट की तरह से सर्व करके आपको दिखाते हैं, और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा खीरा ऊपर से, थोड़ा सा प्याज, आजकल मूली बहुत अच्छी आ रही है तो आप मूली के लच्छे भी ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, फ्राइड आलू ऐड कर सकते हैं, और एक फ्रूट वाली बर्फी है, वो कभी आपको मैं आगे बना के दिखाऊंगी या अपने साथ ले जाके खिलाऊंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से हिट कर दीजिएगा। हाँ, लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, ये थी हमारी दिल्ली वाली मटरा की चाट। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब ये दिल्ली वाली इसलिए है, मेरठ वाली इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। मैं मेरठ वाली मटरा की चाट की रेसिपी ऊपर लिंक कर रही हूँ, ज़रा सा डिफरेंस है मगर हाँ टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, और मेरठ में तो वैसे भी पीली मिर्च बहुत चलती है चाट के अंदर। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो है बेबी पोटैटो बिरयानी या आलू बिरयानी। इस समय नए नए आलू आ रहे हैं, जो सब्ज़ियाँ नई आती हैं ना उनको खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में फिर से बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं फटाफट आलू बिरयानी। तो आइए थर्सडे के टिफ़िन के लिए बनाते हैं आलू बिरयानी। और इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले छोटे वाले आलू को करना है फ्राई। हमने कुकर में डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच देसी घी। ये देखिए, आप चाहें तो फुल देसी घी में भी बना सकते हैं, बट ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने यहाँ पे 12-15 आलू लिए हुए हैं, छोटे वाले आलू लिए हैं, आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इनको हमने ऊपर से स्क्रैच कर लिया है, इनकी स्किन को अच्छे से धो के, इन्हें पूरा छीलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम कुकर में डाल देंगे ये छोटे वाले आलू, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इन आलुओं को हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है धीमी आँच पर, बट पकाते पकाते हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे ताकि कलर और बढ़िया से हो जाए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे आलू पकना शुरू हो गए हैं। इसमें हम ज़रा सी हल्दी डाल देंगे ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग आए वो क्रिस्पी आए और मसालेदार आए, और ज़रा सी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पे अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। देखिए, अब जब तक आलू हमारे पकेंगे हम बाकी बिरयानी की तैयारी करते रहेंगे। ये देखिए, आलू जो हैं पक गए हैं, और इनको अब हम निकाल के एक साइड में रख लेंगे। और अब हम इसमें और घी तेल ऐड नहीं करेंगे, इसी तेल घी में हम ऐड करेंगे 7 गरम मसाले। इनकी लिस्ट मैं साइड में दे रही हूँ, जिसमें है ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, करी पत्ता। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो अभी तक आपको ये याद हो गए होंगे, वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ये मसाले हम डाल देंगे तेल के अंदर, इनसे बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बट जब भी ये मसाले डालिए, साइड में लच्छा प्याज बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं, अपनी अरोमा जो है वो तेल में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्याजों को काट के रखा हुआ है, इसको हम डाल देंगे कुकर के अंदर। हमारे प्रे लेडी कुकर में है स्टडी हैंडल, इससे ये सब चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक तरफ धीमी आंच पे प्याज हमारा पक रहा है, हम आलू को प्रिक कर लेंगे। यहाँ पे फोक से हमें आलू में छेद बना देने हैं। गाइस, एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से सिर्फ आलू में हमने फोक से छेद कर दिए हैं, आलू हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन है, इसको भी डाल देंगे। अब हमने प्याज पहले इसलिए डाला था ताकि प्याज के अगर लच्छे निकालने हो तो हम निकाल लें, बट हमने निकाले नहीं है, तो हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल देंगे, और इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। आलू बिरयानी बनने में बहुत आसान होती है, और मुझे लगता है संडे के लिए ये एक परफेक्ट ब्रंच है, बट आप इसे वीकडे में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगी। तो यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्च डाल दी है, मसाले वही हैं हमारे कसूरी मेथी जो हम लोग बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, बस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। इसमें हमने डाला है कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी, और अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि कश्मीरी मिर्च तेल में अच्छे से कलर छोड़ दें। और अब हम इसमें डालेंगे फिटा हुआ दही। यहाँ पे दही को हमें ऑलरेडी व्हिस्क करके रखना है। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी दही है, आँच को बिल्कुल धीमा रखना है ताकि दही एकदम से डल के फट ना जाए। और अब हमें दही को भूनना है, अगर फट भी जाए 1% तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिरयानी आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। धीरे धीरे चलाते रहिएगा, जल्दी से दही में उबाल हो जाएगा, लेकिन जब तक उबाल ना आ जाए तब तक चलाना मत बंद कीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे जो बेबी पोटैटोज हमने प्रिक करके रखे हैं,
ये जो छोटे वाले नए आलू हैं इनकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अब आलू है तो इसके साथ हमने डाल दी है इसकी फ्रेंड मटर भी, और साथ में हरी धनिया पत्ती और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, पर इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस एक दिन मुझे आपको आलू वाली कहानी सुनानी है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मैं एक बहुत मज़ेदार वीडियो बनाने वाली हूँ इस पर। और यहाँ पे हम डालेंगे बिरयानी मसाला, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला हमने डालना है इसमें, बट इसे हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है, ये जो थोड़ी सी काली मिर्च होती है, जो एक्स्ट्रा काली मिर्च होती है, हम डाल भी चुके हैं, और तेज पत्ता के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं, और ये बीच में खाने में दाद में नहीं आते। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालेंगे, और लाल मिर्च भी, गर्म मसाला इसलिए क्योंकि वो घर का बना हुआ है। और डालेंगे नमक। नमक अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने नमक डाला है, चावल के हिसाब से भी डाला है, और बाद में हम इसे बंद करते समय भी टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बिरयानी का बेस बहुत ही फ्लेवरफुल है, और इसकी खुशबू तो बस क्या कहने। ये देखिए, तो अब बारी आ चुकी है इसमें चावल डालने की। हमने बासमती राइस लिया है, 1 कप बासमती राइस था, इसको हमने भिगो के रख दिया था। आधे घंटे बस भिगोना होता है इसे, हमें ज़्यादा भिगोना नहीं है क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। बट चावल को 1-2 मिनट ज़रूर भूनना है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में भी, स्पैचुला आप हमेशा वुड का ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ते बर्तनों में, जो इनके ऊपर की कोटिंग होती है वो ख़राब नहीं होती। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रहे हैं, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, और इसमें मेवे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा केसर वाला दूध, साथ में पानी। यहाँ पे 1 कप चावल है तो हमने 1.5 कप पानी लिया है, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला हुआ है, उसकी भी ग्रेवी है। रेशियो रहता है 1 कप चावल तो 2 कप पानी। इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में इसमें जा रहा है थोड़े से और अच्छे से फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर। आपके पास में अगर रोज़ वाटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है अब प्रेशर के लिए, और अब बस लिड को क्लोज करेंगे और इसको पकने देंगे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव 2 सीटी के लिए। एक के बाद एक सीटी आने दीजिए, और उसके बाद में कुकर को बंद कर दीजिए। सीटियाँ तेज़ आँच पे आ जाएंगी, और उसके बाद में आप जब इसे अपने आप प्रेशर निकल जाएगा तभी खोलिए। ये देखिए प्रेशर अपने आप निकल चुका है, और हमारी बिरयानी कितनी खिली खिली बनी है ये देखिए। कि चावल इसका अलग है, और इसको अब हम फटाफट सर्व करते हैं। वाह क्या कहना, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और संडे को कभी लंच में बनाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा। गाइस मेरे पास में इसकी ज़्यादा फ़ोटो है ही नहीं क्योंकि ये खुलते ही ख़त्म हो गई थी। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये थी हमारी आलू बिरयानी की रेसिपी। आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वेल गाइज़ मैंने ये रेसिपी एक दिन ब्रंच में बनाई थी, एज इन किसी दिन छुट्टी थी, और मैंने सोचा कि लाओ इसे बनाते हैं। और कैसे बनी, कैसे ख़त्म हुई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पास में एक ही फ़ोटो है जो मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर की है, बस उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है। बहुत ही बढ़िया बनी थी। वैसे भी जो सब्ज़ियाँ नई होती हैं ना, उनका टेस्ट अपना अलग ही होता है। तो अब बारी है हमारी लास्ट सब्ज़ी की, जो है पत्ता गोभी गाजर मटर। बड़ी प्यारी सी सब्ज़ी है ये, मुझे पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरा स्कूल टिफ़िन हुआ करता था। मेरी मम्मी ये रात में कट करके रख दिया करती थी, सुबह हम लोग 7:15 बजे स्कूल के लिए निकल जाते थे, तो सारी कटिंग चॉपिंग हुई रहती थी, और एक तरफ मम्मी सब्ज़ी चढ़ा दी थी और एक तरफ पराठे सेक दी थी। उसी को याद करते हुए सब्ज़ी मैंने इस कंपाइलेशन में शामिल की है। तो आइए देखते हैं पत्ता गोभी गाजर मटर की सब्ज़ी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं फ्राइडे का बहुत ही आसान टिफ़िन, जो है पत्ता गोभी गाजर मटर की सब्ज़ी। और इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। जब भी हम स्टील की कढ़ाई में खाना बनाते हैं हमें टेम्परेचर बिल्कुल लो पे रखना रहता है, और 2 चम्मच तेल को ही हम पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे। खाना बनाने के लिए हमेशा हैवी बॉटम कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर प्रीलेडी की स्मार्ट सीरीज़ की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तेल जैसे ही गर्म हो गया हमने उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाला है, और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, ये बहुत अच्छी बनती है, और आप इसको सुबह जल्दी बनाने के लिए पत्ता गोभी गाजर मटर ये सब रात में ही रेडी करके रख सकते हैं। इतनी सर्दी है कि कुछ ख़राब नहीं होता।
तो जैसे ही प्याज हमारा भुन जाएगा, हम इसमें नॉर्मल मसाले डालेंगे, जिसमें है हल्दी, नमक, ज़रा सी लाल मिर्च और गरम मसाला। इस सब्ज़ी में धनिया पाउडर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब्ज़ी वैसे ही बहुत लाइट होती है। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला भी डाल दिया है, और अब इन सभी मसालों को हम बस 10 सेकेंड तक भूनेंगे। फ्लेम को लो पे ही रखना है, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं। हमारी सब्जियां सारी कटी हुई रखी हैं, तो यहाँ हमने सबसे पहले डाली है पत्ता गोभी, आधा पत्ता गोभी है, बहुत बड़ी सी पत्ता गोभी आजकल आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है। साथ में हरी मटर, गाजर। अब इन सब्जियों को थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ये सब कढ़ाई के अंदर आ जाए। पत्ता गोभी वैसे भी पकने के बाद में बहुत कम हो जाती है, इसीलिए नमक हमेशा आप हिसाब से डालिए। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट जैसे ही ये पकेगी बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। पत्ता गोभी मैं नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट विंटर्स में इस समय बहुत अच्छी आ रही है, तो पत्ता गोभी खा सकते हैं थोड़े दिन के लिए। अब इसको हम स्पेशल बनाएंगे एक चम्मच चीनी डाल के। जी हाँ, इसमें एक चम्मच चीनी डालेंगे हम, इससे सब्जियों में एक हल्की सी मिठास आ जाएगी और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी गाइस। ये देखिए, और इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको हमें 10 मिनट पकाना है। थोड़ी देर आप ढक सकते हैं, थोड़ी देर खुला पकाइए, सिर्फ बीच बीच में चलाते रहिए ताकि नीचे से बिल्कुल लगे नहीं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ढक दिया है, लेकिन 2 मिनट बाद मैंने इसे फिर से चेक कर लिया था, 5 से 10 मिनट में ये सब्जी अच्छे से पक जाएगी। पकने की निशानी यही होगी कि मटर या आलू जो भी आप डाल रहे हो वो दबने लगे। तो यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी, मटर, गाजर तैयार हो गई है टिफिन में जाने के लिए। इसके साथ मुझे टिपिकली वो ट्रायंगल वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग इसे खाते हैं किस चीज़ के साथ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बासी चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइज, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आई होप आप लोग को पसंद आई होंगी। आपको सबसे अच्छी कौन सी रेसिपी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और ये वीडियो था हमारा प्रे लेडी के साथ कोलैबोरेशन में, मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। गाइज, दीज कुकवेयर आर रियली एक्सेलेंट, और ये प्रेशर कुकर देखने में भी बहुत क्यूट है, आप इसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। सार्थक अपनी टर्न पर आ जाता है, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय करने। बाय बाय गाइज, बाय।